मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? मोंटाज में ये वीडियो देखी आपने, ये सारी वीडियो है संसद की, किस तरीके से संसद में सरकार मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर किस तरीके से जो ओपोजिशन के नेता हैं उनको डरा धमका रही है, ईडी के द्वारा उन पर छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी कर रही है। लेकिन संसद में क्या हो रहा है वो आज एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा। इस तरीके से 140 करोड़ संख्या वाले देश में सिर्फ 40 करोड़ लोगों पर रोजगार है। जी हां, संसद में ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा भी किस तरीके से सरकार नहीं चाहती कि जो निलंबन है सांसदों का वो हटे, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। ये टीएमसी की सांसद हैं जिन्होंने सिलेंडर पर हो रही महंगाई, गैस पर बढ़ते दामों के लिए संसद में ही बैंगन खाकर दिखाया। आप सोचिए, सिलेंडर जब 400 रुपए था तब ये लोग इतना बवाल करते थे। स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी, लेकिन आज जब 1000 के पार सिलेंडर हो चुका है, लोग त्राहिमाम है। एक आम नागरिक जो नौकरी करता है, जिसकी मुश्किल से 25,000 से 30,000 तनख्वाह है, वो महीने भर में अपने फैमिली का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, आप समझिए। लेकिन इन लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंगती, जिसका विरोध करते हुए, महंगाई पर सवाल उठाते हुए टीएमसी की सांसद ने संसद में ही बैंगन खाकर दिखाया। अब जरा मैं बताता हूं कि किस तरीके से 140 करोड़ के देशवासियों में सिर्फ 40 करोड़ लोगों पर रोजगार है, यानी कि आप समझिए अभी भी 100 करोड़ जो है भारत के वासी वो बेरोजगार है। इनकी बैठ सुनिए। जो मनीष तिवारी हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने संसद में सवाल किया है कि किस तरीके से अगर आपको एक डेवलप कंट्री बनना है तो कम से कम जो है आपके 2/3 नागरिकों पर रोजगार होना चाहिए, लेकिन भारत के सिर्फ 40 करोड़ जो है देशवासियों पर रोजगार है। इनकी बैठ सुन लीजिए। आज की तारीख में लगभग भारत में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, और अगर हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेके जाना जरूरी है। और मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इसको 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेके जाने के लिए कोई रणनीति नहीं। तो सुना आपने, इस तरीके के हालात है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने संसद में जवाब दिया है कि मनरेगा, जिसको बीजेपी ने आने के बाद कहा था ये सिर्फ गड्ढा खोदने की स्कीम है, उसमें बेरोजगारी के चलते सबसे ज्यादा आवेदन देखे गए हैं, यानी कि लोग मनरेगा की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी आई थी तो इसी बीजेपी सरकार ने मनरेगा को गड्ढे खोदने वाली स्कीम बताकर बंद कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इनको चालू करना पड़ा। बेरोजगारी का ये आलम है। इतिहास के सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज भारत में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक और सांसद, उन्होंने संसद में पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान किया है। आप जरा उनका ये बयान सुन लीजिए और आप फिर आप खुद अंदाजा लगाइए और खुद सोचिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद संसद में कहते हैं कि मोदी जी ने 80 करोड़ देशवासियों को फ्री फंड का खाना दिया। जो शब्द है उस पर गौर कीजिए और इनकी टोन पर ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है?
क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? तो सुना आपने किस तरीके से ये जनता को फ्री खोर बता रही है, यानी कि जनता ही इसके लिए दोषी है, जिस तरीके से ये टोन में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में खाना दिया, फ्री फंड का खाना खिलाया। अरे शर्म करने वाली बात है, यानी कि आप समझिए कि सरकार जब खुद दावा कर रही है कि 80 करोड़ जो है देशवासियों को प्रधानमंत्री ने मुफ्त में राशन बांटा, तो आप सोचिए कि हालात कितने खराब है। जब सरकार का खुद का दावा है कि 80 करोड़ जनता अभी भी ऐसी है जो अपना खाने तक के लिए नहीं कमा सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, उसको सरकार खिला रही है, तो बेरोजगारी का आलम सोचिए कितना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनीष तिवारी है, कांग्रेस के MP है, उन्होंने यही सवाल उठाया है कि कहीं भी अगर आपको विकसित देशों की सूची में शामिल होना है तो कम से कम 2/3 जो है आपके आपकी संख्या पर, आपके लोगों पर, देशवासियों पर रोजगार होना चाहिए। लेकिन भारत की यह हालत है, सिर्फ 40 करोड़ लोगों पर रोजगार है, जबकि 100 करोड़ जनता भी समझिए कि वो बेरोजगार घूम रही है। और इसी बात को इनके सांसद जो हैं, बजाय इसका जवाब देने के, शर्मिंदा होने के, बड़ी बहादुरी से जनता पर टोन मार कर कह रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद कीजिए कि मोदी जी ने आपको, यानी कि देश के 80 करोड़ देशवासियों को फ्री फंड का खाना खिलाया है। तो भैया धन्यवाद दीजिए इनका। इससे पहले भी हमने आपको एक इनके BJP के नेता का वीडियो दिखाया था, किस तरीके से वो कह रहे थे कि आप जिंदा हैं उसके लिए मोदी जी का शुक्रगुजार करिए, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीन ईजाद की, उसके बाद फिर वैक्सीन को बांटा, जनता को लगवाया, तो मोदी जी की बदौलत आज आप जिंदा हैं। तो BJP के नेता इस तरीके से लगातार जनता का अपमान करते आ रहे हैं, और अब तो हद हो गई। BJP के सांसद निशिकांत किस तरीके से संसद में जनता का माखोल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुफ्तखोर हो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि फ्री के रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, जबकि उनके सांसद संसद में जवाब देते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने 80 करोड़ देश के लोगों को जो भूख से मर रहे थे, भिलक रहे थे, उनको रोजगार, उनको खाना खिलाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी बात में ही, इनकी बात में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके सांसद संसद में कुछ और जवाब देते हैं। इतना ही नहीं, अब जरा ये पीयूष गोयल की बैठ सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो निलंबित सांसद हैं, अगर वो सरकार से माफ़ी मांगते हैं, सदन में माफ़ी मांगते हैं और उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, तो हम उनके निलंबन वापस लेने के लिए मोशन को मूव कर सकते हैं। उन्होंने खेद प्रकट करना चाहिए जो उन्होंने गलत काम किया, और नेता ने या अलग अलग MPs जो चारों MPs हैं वो आके खेद व्यक्त कर दे, या उनका नेता उनके बिहाफ पे खेद व्यक्त करे और एश्योर करे कि आगे वो प्लेकार्ड लेके नहीं आएंगे, जो पूरी तरीके से कायदे कानून के खिलाफ है, तो सस्पेंशन वापस देने के लिए सरकार मोशन मूव करने के लिए तैयार। लेकिन आप समझिए कि सरकार किस तरीके से सवालों से बच रही थी। पिछले कई दिनों से मानसून सत्र जो है चालू है, लेकिन GST पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर अभी तक कोई बहस नहीं हुई थी। आज बहस हुई है, जिसमें आपने देखा कि TMC की सांसद ने किस तरीके से संसद में बैंगन खाकर दिखाया, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके चलते उसको कच्ची सब्जियां खानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कच्ची सब्जियां भी इतनी महंगी है कि आज आम आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। बैंगन 50 रुपये किलो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। और ये देखिए किस तरीके से पीयूष गोयल कह रहे हैं कि अगर सांसद जो है माफ़ी मांगते हैं और अभिव्यार करने के लिए खेद प्रकट करते हैं, तो हम उनके मोशन को मूव करेंगे और फिर बहस हो सकती है। तो इस तरीके के हालात हैं। और ये वीडियो देख लीजिए जो UP से आया है, जहाँ पर जनता ने बुलडोजर के खिलाफ मुट्ठी बांध ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बुलडोजर के विरुद्ध जनता ने मुट्ठियां बांध ली है, क्योंकि बुलडोजर की आड़ में धमकी देकर जो वसूली का धबा चिपा खेल चल रहा था, वो खुलेआम लोगों के मकान दुकान तक पहुंच गया। सत्ता के दम में डूबकर जन उत्पीड़न कर रही भाजपा को ये याद रखे, जनता की ताकत से बड़ा कोई बुलडोजर नहीं है। जिस तरीके से बुलडोजर का रोब दिखाकर आम नागरिकों को डराया जा रहा है, उनकी दुकानें मकानें तोड़ने का
धमकी दी जाती है, उससे आहत होकर आज जो है यूपी की जनता सड़कों पर उतरी है और बुलडोजर मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। नजर चलाना बंद करो, मकान गिराना बंद करो, नजर चलाना बंद करो, नजर चलाना बंद करो। आपको याद होगा मेरठ के एक मुस्लिम फर्नीचर कारोबारी से किस तरीके से वहां के एक अधिकारी ने फर्नीचर लिया, जब उस अधिकारी ने पैसे मांगे तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। तो इस तरीके के हालात है, जो बुलडोजर है वो मुसलमानों पर तो यूं ही चल जाता है, अब ये इसका इस्तेमाल जो है उगाही के लिए, वसूली के लिए भी होने लगा है, जिससे जनता आहत हो चुकी है और सड़कों पर उतर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आखिर में नरेंद्र मोदी जी की ये बाइट सुन लीजिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन 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 भोज्यम। आज की ये सारी वीडियो थी किस तरीके से मॉनसून सत्र चालू होने के बावजूद भी कई दिनों बाद आज जो है महंगाई पर बहस होती है, जिसमें टीएमसी की एक सांसद संसद में बैंगन लेकर पहुंच जाती है और वहीं पर उसको खाकर दिखाती है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद निशिकांत जो है 80 करोड़ देशवासियों को गाली दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने आपको फ्री फंड का खाना खिलाया। वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी ने एक आंकड़ा दिया है जिसमें यह पाया गया है कि भारत के सिर्फ 40 करोड़ लोगों पर रोजगार है, बाकी 100 करोड़ अभी भी बेरोजगार है। इससे आप बेरोजगारी का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार ने अभी हाल ही में खुद संसद में जवाब दिया था कि 22 करोड़ एप्लीकेशन आए थे पिछले 8 सालों में, जिसमें हमने सिर्फ 7,22,000 समथिंग को रोजगार दिया, नौकरी दी या नियुक्तियां दी, जिसका अगर रेशियो निकाले तो 1% भी नहीं बनता है। जबकि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मोदी जी, बीजेपी सरकार, जो विपक्षी नेता हैं, उनको डरा रही है, धमका रही है, ईडी सीबीआई हर तरीके का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आज पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑपरेशन लोटस के नाम पे विधायक की खरोद फरोख्त का मामला है वो लगातार जारी है। अब इनका मिशन है कि झारखंड में किसी तरीके से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए। तो ये सारी खबरें हैं। सरकार बाहर जो है लोगों को ठिकाने लगा रही है एक एक करके, चाहे नवाब मलिक हो, देशमुख हो या संजय राउत हो, इस तरीके के जितने भी जो भी मोदी के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, बात करता है, उसको डरा धमकाकर जेल में डाल दिया जाता है। इस वीडियो पर, इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।